हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा नौवीं का विषय भूगोल, पाठ पांचवा। पाठ का नाम है वृष्टि। पाठ का नाम क्या है स्टूडेंट्स? वृष्टि मतलब वर्षा। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस बना के रखे हुए हैं। यदि आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप उन दोनों वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्षा मापक। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग शहरों से, अलग अलग समाचार पत्रों या अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से आपको मालूम पड़ता है कि किस इलाके में कितनी वर्षा हुई है, कितनी मिमी वर्षा हुई है, 200 मिमी वर्षा हुई, 400 मिमी वर्षा हुई, 2000 मिमी वर्षा हुई। ये किस प्रकार मापा जाता है, उसका मापक यंत्र क्या होता है, तो हम लोग समझने वाले वर्षा मापक यंत्र क्या होता है, कोहरा क्या होता है, ओस क्या होता है और तुषार क्या होता है। कोहरा, ओस और तुषार, इनमें क्या फर्क होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि ज़्यादा बारिश होना वो भी नुकसानदायक है, और बहुत कम वर्षा होना या बरसात होना वो भी क्या है, नुकसानदायक, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्षा मापक क्या होता है। वर्षा मापक मतलब होता है स्टूडेंट्स, वर्षा मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वर्षा को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे वर्षा मापक यंत्र कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर साथ की आकृति में देख सकते हो, ये वर्षा मापक यंत्र का डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ष वो मापक पात्र है, ये क्या है, मापक पात्र है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो अलग अलग मिमी में दिया गया है संख्यात्मक जानकारी। यहाँ चबूतरा है, इस तरह जमीन में चबूतरा बना दिया 30 सेंटीमीटर का, और इस तरह यहाँ पर कुप्पी लगा दी जाती है। ठीक है, ये कुप्पी इसके अंदर लगा दी जाएगी, बोतल है। अब इस चबूतरे में लगाने के बाद इसके अंदर सहजता से पानी क्या होता है, चला जाता है, और बाद में इस यंत्र के माध्यम से उसके अंदर कितना पानी है यह पता लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा क्या? तो चलिए, तो सबसे पहले क्या कहें, इस उपकरण में कुप्पी, बोतल और मापन पात्र होता है। ये जो कुप्पी है ये बोतल में मापन पात्र में लगा दिया, बोतल के ये बोतल दिख रहा है, इस मापन पात्र में इस कुप्पी को लगा दिया जाएगा। अब इसी कुप्पी में से जो पानी आएगा वो अंदर आएगा। ठीक है, वर्षा मापक को खुली जगह पर, कोई खुली जगह रहेगी वहाँ पर 30 मीटर चबूतरा तैयार किया जाएगा और उस चबूतरे पर रख दिया। चबूतरा मतलब आप लोग बोल सकते हो बैठ कुछ रहता ना, एक बैठने वाली जगह इस तरह से बना दिया जाता है। अधिक वर्षा वाले प्रदेश में जो होता है इस मापक में हर 3 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद वर्षा का मापन किया जाता है। जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है ऐसे प्रदेशों में हर 3 घंटे के बाद वर्षा का मापन किया जाता है। ठीक है, अब आगे स्टूडेंट्स, आपने वर्षा मापक यंत्र का जो रचना था वो देख लिया। अब देख लेते जो वर्षा मापक यंत्र वो काम कैसे करता है। तो वर्षा मापक मापन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे वर्षा मापक कहा जाता है। आकृति आप लोग देख सकते हैं 5.8 में आपने देखा ऊपर, वर्षा मापक के लिए विशिष्ट व्यास की कुप्पी बिठाई जाती है, उसके अंदर कुप्पी बैठाई गई थी। इस कुप्पी पर पड़ा हुआ वर्षा का पानी वर्षा मापक में लगाई गई बोतल में इकट्ठा होता है। अब इसकी कुप्पी में जो पानी जाएगा वो पानी जो नीचे बोतल थी ना, उस बोतल के अंदर जो कुप्पी लगाई गई थी उस बोतल में पानी इकट्ठा होगा। इकट्ठे हुए इस पानी का मापन पात्र की सहायता से, जो इकट्ठा हुआ पानी है उसके अंदर मापन पात्र डाला जाएगा। मापन पात्र की सहायता से अधिक वर्षा वाले प्रदेश में 3 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद वर्षा का मापन किया जाता है। जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है चेरापुंजी में। ठीक है, चेरापुंजी में होती है, पूर्वी भारत में है, तो वहाँ पर हर 3 घंटे के बाद वर्षा मापक केंद्र से उस वर्षा को मापा जाता है। इस मापन पात्र पर मिलीलीटर में चिन्ह अंकित होता है, आपने देखा था 0 से लेकर चिन्ह अंकित हुए थे मिलीमीटर में। वर्षा मापन के लिए वर्षा मापक खुली जगह पर 30 सेमी का समतल चबूतरा बांधकर इसके कारण वर्षा का पानी बिना रुकावट के इकट्ठा हो सके। मतलब जो वर्षा मापक यंत्र है उसको चबूतरा बना दिया जाए 3 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से जो वर्षा का पानी है वो बहुत आसानी से इसके अंदर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और बाद में वर्षा मापक यंत्र के माध्यम से हम लोग वहाँ पर कितनी बारिश हुई, कितने मिमी बरसात हुई है उसकी जाँच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वर्षा मापक यंत्र जरूरी क्यों है, क्योंकि किसी स्थान पर अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और वर्षा मापक यंत्र की सहायता से हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले कुछ समय में कितनी बरसात होगी, तो उस हिसाब से वहाँ पर बाढ़ आ सकती है क्या या नहीं आ सकती है, क्या उस माहौल वहाँ के जलवायु में क्या परिवर्तन हो सकता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। यदि वर्षा मापक यंत्र के द्वारा पता लगाया जाए कि वहाँ पर एक सीमा से अधिक बरसात होने वाली, तो वहाँ के लोगों को सतर्क कर दिया जाएगा ताकि वहाँ पर बाढ़ जैसी
भयंकर समस्या निर्माण ना हो, तो इन सभी चीज़ों को मापने के लिए, इन सभी खतरों से बचने के लिए हम लोग वर्षा मापक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब 1 मिमी वर्षा अर्थात कितना पानी, अब 1 मिमी वर्षा आप लोगों ने देखा होगा जो वर्षा होती है उसको मिमी में नापते हैं, तो 1 मिमी वर्षा में कितना पानी रहेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग सारी चीज़ें देखें, भूमि पर होने वाला 1 मिमी वर्षा पानी की परत का बहने ना दे, ये पानी जो पानी उसको बहने ना दे, पानी को जमीन में जाने ना दे, उसका वाष्पीभवन ना होने दिया जाए तो कितना पानी होगा। तो हम लोग अगर बात करें तो 1 मिमी वर्षा हुई तो उसे 10 लाख लीटर पानी उपलब्ध होगा। 1 मिमी वर्षा मतलब वहाँ पर 10 लाख लीटर पानी उपलब्ध होगा। स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 मिमी वर्षा अगर होती है तो मतलब वहाँ पर 10 लाख लीटर पानी क्या होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, समझ में आ गया। हिमवृष्टि का मापन कैसे कहता है, हिमवृष्टि का मापन करने के लिए स्टूडेंट सबसे आसान तरीका, क्योंकि हिमवृष्टि क्या होता है, वो हिम के रूप में होता है, मतलब कठोर होता है, तो उसको क्या किया जाए, सबसे पहले गर्म किया जाएगा, उसको गर्म करने के बाद उसका रूपांतरण किसमें होगा, पानी में होगा, और बाद में इस पानी को वर्षा मापक यंत्र की सहायता से मापा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 120 मिमी बर्फ की परत 10 मिमी वर्षा के बराबर होती है। 120 मिमी जो बर्फ की परत होगी, ठीक है, वह कितने बराबर होगी, 10 मिमी वर्षा के बराबर रहेगी, और 1 मिमी वर्षा में 10 लाख लीटर पानी होता है। अगर आपको कहीं पता चलता है कि 1 मिमी वर्षा हुई है मतलब वहां पर 10 लाख लीटर बरसात हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स कोहरा, ओस और तुषार। ठीक है, कोहरा किसे कहा जाता है, ओस किसे कहा जाता है, तुषार किसे कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कोहरा किसे कहते हैं। वायुमंडल में स्थित वाष्प का सघनीभवन अथवा घनीभवन जब भूपृष्ठ के समीप होता है। सघनीभवन होना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पानी है पानी का सबसे पहले वाष्प बनना, जब वाष्प ठंडा हो जाएगा तो वापस क्या बन जाना, पानी बनना। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सघनीभवन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, सघनीभवन कहा जाता है। ठीक है, तो सघनीभवन होकर तब कोहरा, ओस और तुषार बनता है, मतलब जब वायुमंडल में वाष्प का सघनीभवन होता है तो 3 चीजें तैयार होती है, एक कोहरा, ओस और तुषार। इनमें क्या अंतर है आगे देखते हैं। भूपृष्ठ के समीप हवा परतों में तापमान कम होता है, जो भूपृष्ठ के समीप जो हवा होती है उसमें तापमान बहुत कम होता है। तापमान कम होने पर भूपृष्ठ के समीप हवा की स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है, और तापमान कम होने की वजह से, तापमान कम है जिसकी वजह से वाष्प का क्या होगा, सघनीभवन हो जाएगा, उसको वापस क्या बन जाएगा, पानी की बूंदों में रूपांतरण हो जाएगा। जल कणों में रूपांतरण होकर जल कण वायुमंडल में क्या होते हैं, तैरते हैं। ठीक है ना, सघनीभवन हो गया है, वाष्प का सघनीभवन हो गया, तो ये जल कण में रूपांतरित हो जाएंगे, जल कण क्या रहेंगे, वायुमंडल में क्या होंगे, तैरेंगे। इस तैरते जल कण को की हवा में स्थित घनत्व बढ़ने से कोहरा तैयार होता है। अब ये जो जलकण है इसका घनत्व तो बढ़ जाएगा, इसका घनत्व तो बढ़ जाएगा, जब घनत्व तो बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा, और उसको क्या कहेंगे हम लोग, कोहरा कहेंगे, और वो सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिखाई देगा, जिसकी वजह से आगे मतलब कोहरे की उस पार की चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ तक समझा कोहरा क्या होता है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब समझ लेते हैं ओस क्या होता है। भूपृष्ठ के वायुयुक्त हवा का संपर्क अति शीत वस्तुओं से आने से हवा स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है। जो भूपृष्ठ पर वाष्पयुक्त हवा है, मतलब वो हवा जिसके अंदर क्या है, वाष्प है, सूर्य प्रकाश से पानी का वाष्प में रूपांतरण हुआ, और जो वाष्पयुक्त हवा है वह शीत वस्तुओं के संपर्क में आती है। शीत वस्तु मतलब जहाँ जो वस्तु ठंडी होती है, ठीक है, शीत वस्तु के संपर्क में आने पर वाष्प का क्या होता है, सघनीभवन होता है, वाष्प के सूक्ष्म जल बूंदों में रूपांतरण हो जाता है। जो वाष्प रहेगा वह जल बूंद में क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। ऐसे जल बूंदें ठंडे वस्तुओं पर इस बार पीछे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है, या आपने देखा होगा घास होती है उसके ऊपर आप लोग देख सकते हो, उसकी बूंदे आपको दिखाई देंगी, पृष्ठभाग चिपके होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, उसकी बूंदे कहते हैं। इस तरह का अनुभव आपने किया होगा, आपके आसपास इलाके में कोई गाड़ी खड़ी रहती है, आप लोग मॉर्निंग में उठते हो, सुबह उठते हो तो उस गाड़ी के ऊपर थोड़ी थोड़ी ओस की बूंदें दिखाई देती है। समझा ओस क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब समझ लेते तुषार किसे कह देते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपकते हुए ओस की बूंद जम जाती है। अब इसमें ओस तो तैयार होगा, ओस कैसे तैयार हुआ, क्योंकि जो वाष्पीभवन हुआ, वाष्पीभवन का ठंडी वस्तुओं के साथ संपर्क में आने पर उसका सघनीभवन हो गया। अब सघनीभवन हो जाने के बाद ये क्या हो गया, ठंडी वस्तुओं के पृष्ठभाग पर क्या हो गया, चिपक गए। अब वहां का जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो उस पानी का रूपांतरण किसमें हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। पानी का रूपांतरण किसमें हो जाएगा, हिम में हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। इन जमे हुए ओस की बूंदों को, मतलब वो जो ओस की बूंद रहेगी वो जम जाएंगी, उन्हें क्या कहा जाएगा, तुषार कहा जाएगा। तुषार मतलब एक तरह से आप लोग बर्फ हो कह सकते हैं उसे, लेकिन जो ये तुषार है वह ओस की बूंद से तैयार होता है, इसीलिए उसको नाम तुषार है। ओस बूंद तुषारों की निर्मित शीतकाल में बड़े पैमाने पर होती है। जो ओस बूंद है और जो तुषार है ये ठंडी के मौसम में, या आप लोग बोल सकते शीतकाल में बहुत ज़्यादा निर्मित होती है। अब आगे देखते हैं।
अगला टॉपिक स्टूडेंट्स वर्षा का परिणाम। वर्षा का परिणाम, देखो वर्षा के दो परिणाम हो सकते हैं, एक हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है और एक हानिकारक भी हो सकता है। यदि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो भी हानिकारक है, यदि वर्षा बहुत कम होती है तो भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले पेयजल का मुख्य स्रोत क्या वर्षा है। पृथ्वी जो पानी है, पीने वाला पानी है, उसका मुख्य स्रोत क्या वर्षा, क्योंकि हमारा जो पीने वाला पानी है वो मुख्य रूप से निर्भर करता है वर्षा पर। अगर वर्षा होगी तो पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा, यदि वर्षा नहीं होगी तो पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्षा अगर नहीं हुई तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा जैसी हानिप्रद है, हानिप्रद मतलब हानिकारक है, वैसे ही कम वर्षा भी क्या है, हानिकारक है। बहुत ज़्यादा बारिश होना भी हानिकारक है और बहुत कम बारिश होना भी हानिकारक है। अतिवर्षा के कारण जब बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो उससे कौन कौन सी समस्याएं निर्माण होंगी उनको समझते हैं। भयंकर बाढ़ आती है, अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो स्टूडेंट सबसे क्या होगा, भयंकर बाढ़ आएगी जिससे जीवित और वित्त हानि होगी, जिससे बहुत जन मर जाएंगे, लोगों का पैसा या घर जो होता है वो बहकर चले जाता है, जिससे जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जीवित और वित्त हानि दोनों होती है। बारिश नहीं हुई तो अनवंशन मतलब सूखे की स्थिति, अकाल पड़ जाना। ठीक है, बारिश नहीं होती अनवंशन स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए अनाज की कमी निर्माण होने लगती है। जब किसी स्थान पर अनवंशन निर्माण हो जाएगा, जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा इलाका है, ठीक है, महाराष्ट्र में दो इलाके होते हैं स्टूडेंट्स, मराठवाड़ा और एक मुंबई। तो मराठवाड़ा जो इलाका, वहाँ पर अनवंशन की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने मिलती है, वहाँ के किसान जो होते हैं बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश जो होती है बहुत कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से वहाँ फसलों की पैदावार नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को भूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है। अनाज आयात करना पड़ता है, अनाज दूसरे देशों को हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अनवंशन की स्थिति निर्माण हो गई, अकाल पड़ गया, तो हमको अनाज दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से मंगाना पड़ेगा। किसानों की स्थिति जो होती है दयनीय हो जाती है, देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ जाता है। ठीक है, अब आगे, भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था खेती पर ही होती है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि भारत की जो 70% जो जनसंख्या है वो किसके ऊपर निर्भर, कृषि ऊपर निर्भर। सही है, भारत की जो जनसंख्या 70% जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है, मतलब उनका जो रोजगार है, उनका जो पेट पालन है, ये उनका जो पूरा परिवार वो लोग संभाल रहे हो कृषि के रोजगार पर संभाल रहे। लेकिन यदि वहाँ पर बरसात नहीं हुई या बरसात बहुत ज़्यादा होती है, अनुवंशन की स्थिति आ जाती है, तो इन सभी समस्याओं का सामना किसान को करना पड़ता है। भारत की खेती बड़ी मात्रा में मौसमी वर्षा पर आधारित होती है। सही बात है, मौसमी खेती है, ठंडी में कुछ और खेती करते किसान, बरसात में कुछ और खेती करते, गर्मी के टाइम में कुछ और खेती करते हैं, इसलिए भारत में होने वाली वर्षा संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए भारत की जो वर्षा है वो संपूर्ण देश के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। उचित समय पर उचित मात्रा में होने वाली वर्षा खेती की उपज बढ़ाती है। अगर उचित समय में उचित मात्रा में वर्षा होती है तो इससे क्या होगा, खेती का जो उपज रहेगा, खेती का जो उत्पादन है वह क्या होगा, बढ़ेगा। तो बिना मौसम वर्षा खेती की क्या होगी, हानि होगी। यदि बिना मौसम की वर्षा हो जाए, गर्मी के टाइम में वर्षा हो, तो गर्मी के टाइम आप लोग देखते होंगे बहुत सारे किसान जो होते हैं ये पूरे भारत में गेहूं का पैदावार की जाती है। अगर गर्मी में मार्च फरवरी महीने में बारिश हो जाए तो पूरी गेहूं की फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, भारत में वर्षा अधिकांश अनिश्चित स्वरूप की होती है, भारत में जो वर्षा है वह अनिश्चित प्रकार की होती है। अति घने कोहरे के कारण, आपने देखा हो ठंडी के मौसम में कोहरा जम जाता है, खासकर दिल्ली जैसे इलाकों में, दिल्ली जैसा जो शहर है वहाँ पर कोहरे जैसी समस्याएं, या आप लोग बोल सकते हैं उत्तर भारत में जो राज्य हैं वहाँ पर जो कोहरे की समस्या निर्माण होती है, जिसकी वजह से उस कोहरे के उस पार की जो वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है, लोग एक जगह दूसरी जगह नहीं जा पाते कोहरे की वजह से, दृश्यमानता कम हो जाती है, लोगों को दिखाई देना कम होता है, सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, इनका विपरीत परिणाम होता है। जब कोहरा निर्माण होता है तो उसकी सड़क बंद हो जाती है, जो रेल मार्ग होते हैं वो बंद हो जाती हैं, हवाई मार्ग, जल मार्ग, सारी चीज़ें क्या होती है, बंद हो जाती है कोहरे की वजह से। कई बार दुर्घटना होने की स्थिति उत्पन्न होती है और इसकी वजह से कई बार दुर्घटना निर्माण हो जाती है, क्योंकि उसमें दृश्यमानता क्या होती है, कम हो जाती है, आगे की वस्तु दिखाई ही नहीं देती है। ठीक है, गाड़ियाँ, हवाई जहाज आदि यातायात सुविधाएं रद्द कर दी जाती है, जो गाड़ियाँ आना जाना बंद किया जाता है, हवाई जहाज का एक जगह दूसरी जगह आना जाना बंद किया जाता है, इन सभी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होती है। फसलों के लिए तुषार हानिकारक होते हैं, जो तुषार होते हैं स्टूडेंट्स वह एक तरह से बर्फ के रूप में होते हैं। ठीक है ना, जब ओस होता है उसका जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो ओस जो रहेगा वह क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, और उसे क्या कहेंगे, तुषार कहेंगे। अब वो तुषार जब जमीन पर गिरेगा या किसी खेत में गिरेगा तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत हानि होगी, बहुत नुकसान होगा। उसी प्रकार तुषार के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं निर्मित होती हैं, समाना ओस की कोहरे और बीमारियां फैलती, ओस की वजह से
और कोहरे की वजह से बहुत बीमारियां फैलती है, फसलों को क्षति पहुंचती है। कुछ फसलों के लिए तुषार उपयुक्त सिद्ध होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनके लिए तुषार क्या होता है, उपयुक्त सिद्ध होता है, मतलब उनके लिए लाभदायक हो जाता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है, अम्लीय वर्षा मतलब आप लोग देखते हो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पृष्ठभाग पर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो जलाई जाती है, उनकी जलाने पर उन वस्तुओं में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, सल्फर गैस, ऐसी बहुत सारी विषैली गैसें निर्माण होती हैं, निकलती हैं, और वे गैसें निर्मित होकर वायुमंडल में क्या आती, तैरती रहती हैं, वायुमंडल में स्थित रहेंगी। अब जब बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में जब बूंदें आएंगी, तो ये जो बरसात की बूंदें हैं इन गैसों से क्या करेंगी, अभिक्रिया करेंगी, और अभिक्रिया करके अलग अलग अम्ल तैयार करेंगी, जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये अम्ल तैयार करेंगी, और ये अम्ल जमीन पर जब गिरेंगे तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जिनकी सुंदरता होती है वो खराब हो जाती है। आपने कुछ न्यूज़ सुना होगा, जैसे ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर अभी धब्बे आ रहे हैं, ठीक है ना, हरे हरे धब्बे आ रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है वहाँ पर अम्लीय वर्षा की वजह से, क्योंकि जो आगरा शहर है उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बहुत बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर नाइट्रोजन सल्फर गैसें बहुत निर्माण हो रही थी, और वहाँ पर अम्लीय वर्षा होने की वजह से ताजमहल पर छोटी छोटी जो बूंदें गिर रही थी उसकी वजह से हरे हरे धब्बे दिखाई देने लग गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, उन सभी इलाकों को सील कर दिया, मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार की कंपनियाँ स्थापित नहीं की जा सकती, और उन कंपनियों को दूसरी जगह पर स्थापित किया गया, क्योंकि जो ताजमहल है वह विश्व के 7 अजूबों में आता है, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा की वजह से बहुत सारे परिणाम होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से हवा विभिन्न गैसें मिल जाती है, औद्योगिक क्षेत्र मतलब जो बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं उसमें से बहुत विषैली गैसें निकलती हैं, इन गैसों की हवा में स्थित वाष्प के साथ रासायनिक क्रिया होकर विभिन्न अम्ल तैयार करती हैं, ठीक है, वाष्प के साथ रासायनिक विक्रिया करेंगे और अलग अलग अम्ल तैयार करते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये अम्ल तैयार करते हैं वाष्प के साथ मिलकर, वाष्प की पानी घुले अम्ल वर्षा नीचे गिरते हैं, जो वाष्प वर्षा है, ठीक है ना, वाष्प की वर्षा में पानी में घुले जो गैस रहेंगे वो घुल जाएंगे, और जिसकी वजह से वो अम्ल जो रहेंगे वो नीचे गिरते हैं, इस अम्लयुक्त वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। कभी कभार होने वाली ऐसी वर्षा सभी सजीवों निर्जीवों के लिए हानिकारक हो सकती है, ये जो अम्लीय वर्षा है वो सजीवों के लिए भी और निर्जीवों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। इसी अम्लीय वर्षा की वजह से त्वचा के कैंसर या नेत्रहीनता जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है प्राणियों को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या समझा, आज हमने समझा कि वर्षा मापक यंत्र क्या होता है, कोहरा किस प्रकार निर्माण होता है, ओस किस प्रकार निर्माण होता है, तुषार किसे कहा जाता है, और वर्षा के परिणाम क्या होते हैं, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और इसके बाद हमने पढ़ा अम्लीय वर्षा। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और इस तरह से हमारा जो 5वां पार्ट था वृष्टि नाम है जिसका, वह पार्ट पूरा होता है। इसके ऊपर मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं अब। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए स्टूडेंट्स तो आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिल सकती है। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो स्टूडेंट बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप किसी भी वीडियो को देखने से चूके ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।